निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, और मैंने मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में लग गया। सब कहते थे कि सहनी जी ये चुनाव हमको जिता दीजिए, उसके बाद कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। फिर मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। झारखंड में आपका एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक मंत्री नहीं है, आपके बारे में सोचेगा कौन कि मैं सनफ मल्ला हूं। मैं अपनी जात की भी बात करूंगा और जमात की भी बात करूंगा। रांची में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे सन ऑफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी। यहां मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ कहा कि समय आ गया है जब निषाद समाज के लोग भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि आज झारखंड राज्य में निषाद समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी निषाद समाज को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC ST में शामिल कराना है। कि मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। आज भी इस धरती पर आज हमारे लोग, खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ऐसे समाज में आदि मानव की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग बेहतर जिंदगी जीते हैं, एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, और कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए 200 रुपया खर्च नहीं कर पाते। ऐसी जिंदगी आज की तारीख में हमारे लोग देख रहे हैं, और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, और मैंने मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में लग गया, और मजबूती से अपने लोगों के बीच में गया, उनको समझाया, उनको बताया, उनसे सीखा और उनको समझाया, और संघर्ष करना चालू किया। 2014 में मैं बिहार में पॉलिटिकल सामाजिक रूप से सक्रिय हुआ, और 4 साल के संघर्ष में हमें समझ में आया कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़ना है, जीतना है, तो आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे कीचड़ बहुत है, तो कीचड़ को साफ करना है तो इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं बहुत सारे नेता के पीछे घूमते रहा कि सर ये काम हमारा करा दीजिए, सब कहते थे कि सहनी जी ये चुनाव हमको जिता दीजिए, उसके बाद कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। फिर मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, और वोट आपके पास हमारे पास है, और हम अपना वोट दूसरे को देते हैं। इस लोकतंत्र में राजा जो है ना, वो आपके वोट से बनता है। पहले राजा बनता था, रानी के कोख से जन्म लेता था, राजा का बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन आज आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है, और हम लोग दूसरे को बनाते आ रहे थे। फिर मैंने 2018 में पार्टी बनाया, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, और मैंने मुंबई के बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐश आराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार में लग गया, और मजबूती से अपने लोगों के बीच में गया, उनको समझाया, उनको बताया, उनसे सीखा और उनको समझाया, और संघर्ष करना चालू किया। 2014 में मैं बिहार में पॉलिटिकल सामाजिक रूप से सक्रिय हुआ, और 4 साल के संघर्ष में हमें समझ में आया
कि अगर आपको कोई लड़ाई लड़ना है, जीतना है, तो आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे कीचड़ बहुत है, तो कीचड़ को साफ करना है तो इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और फिर मैंने देखा कि अगर मैं बहुत सारे नेता के पीछे घूमते रहा कि सर ये काम हमारा करा दीजिए, सब कहते थे कि सैनी जी ये चुनाव हमको जिता दीजिए उसके बाद कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। फिर मुझे लगा जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। और वोट आपके पास हमारे पास है, और हम अपना वोट दूसरे को देते हैं। इस लोकतंत्र में राजा जो है ना वो आपके वोट से बनता है। पहले राजा बनता था रानी के कोख से जन्म लेता था, राजा का बड़ा बेटा होता था उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन आज आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है। और हम लोग दूसरे को बनाते आ रहे थे। फिर मैंने 2018 में पार्टी बनाया, और सिर्फ 2 साल के संघर्ष में 2020 आते आते बिहार में अपने दम पर हमने सरकार बनाया। जिंदाबाद। 2020 का जब सरकार बना, आपके सहयोग से सरकार बना, अगर उस समय अगर आप समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत आपके पास है। तो ये साथियों, वो ताकत आपको यहां पे भी दिखाना पड़ेगा। ये जो विधानसभा है ना, झारखंड में या बिहार में या राज्य के कहीं पे भी, वहां पे खजाना है, और वहां खजाना के पास आपके लोग नहीं है तो आपके विकास कैसे होगा। विधानसभा है ना झारखंड में या बिहार में या राज्य के कहीं पे भी, वहां पे खजाना है, और वहां खजाना के पास आपके लोग नहीं है तो आपके विकास कैसे होगा। आज हमने बिहार में अपनी सरकार बनाया था और मजबूती से अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा है, चालाक है, होशियार है। वो 75 साल से, आजादी के 75 साल बीत गया, वो हमेशा आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, वो आपको मालिक बनना नहीं देखना चाहता है। जब बिहार में एनडीए का जब बैठक होता था, ऊपर के कुर्सी में 4 कुर्सी लगता था, वो 4 कुर्सी में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठते थे, एक जीतन राम मांझी बैठते थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठते थे, और एक आपका बेटा सनफ मल्ला भी उस लाइन में बैठते थे। आज उनको हजम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी बात मानिए, जैसे पहले गुलाम आप थे वैसे गुलाम बन जाइए, और आपको हम बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता बनाएंगे। अपनी पार्टी विलय कर लीजिए, हमारे हिसाब से चलिए। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद खून पसीना बहाकर ये पार्टी बनाए हैं, और ये पार्टी जो बना है एक उद्देश्य है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। अगर देश हमारा एक है, देश में संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है एससी का, या दिल्ली में जब एससी का आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी बिहार झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा। हमें आरक्षण हमें दे दो, फिर जो तुम कहते हो मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप हमारा गुलाम बनिए, अपनी पार्टी को विलय कीजिए, आप हमारे साथ आइए, फिर हम सोचेंगे। हमने उनका बात नहीं माना। हमने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड में अपनी पार्टी को, अपने संगठन को विस्तार करने लगा। उन्होंने देखा ये लड़का 2 साल में अपनी पार्टी बिहार में खड़ा कर सकता है और हमको चैलेंज कर सकता है। जो कल तक हमारे पास एक टिकट मांगने के लिए, जो समाज एक टिकट मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमता था, वो समाज आज बिहार में टिकट बांट रहा है, ये लड़का आगे निकल जाएगा। उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया, लेकिन मेरे हौसला को किसी ने नहीं तोड़ा। साथियों, हौसला का नहीं तोड़ा।
झारखंड में अपनी पार्टी को, अपने संगठन को विस्तार करने लगा। उन्होंने देखा ये लड़का 2 साल में अपनी पार्टी बिहार में खड़ा कर सकता है और हमको चैलेंज कर सकता है। जो कल तक हमारे पास एक टिकट मांगने के लिए, जो समाज एक टिकट मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमता था, वो समाज आज बिहार में टिकट बांट रहा है। ये लड़का आगे निकल जाएगा। उन्होंने क्या किया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया, लेकिन मेरे हौसला को किसी ने नहीं तोड़ा। साथियों, हौसला को नहीं तोड़ा। और फिर मजबूती से आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज बताइए ना, आप झारखंड में आपका एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, एक मंत्री नहीं है, आपके बारे में सोचेगा कौन? जिस समाज में नेता है उनके लिए सोचा जाता है। आज निश्चित तौर पे आपका बेटा है, 2 रुपया कमाएगा तो आप ही के घर पे लाके देगा ना, आपके लिए सोचेगा? जब वो कमाएगा नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं करेगा तो आपके लिए क्या सोचेगा? आज देश में आप जहां देखिए, जिनको भी देख लीजिए, बहुत आसानी से आके कहेंगे कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। और मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं सनत मल्ला हूं। मैं अपनी जात की भी बात करूंगा और जमात की भी बात करूंगा, और इस दोनों में सबसे पहले होगा तो जात की बात होगा। इसलिए साथियों, आज आपके पास एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, आपका कौन सुनेगा? आज जिस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उस तरीके से अभी आप सभी को हमने मार्च में ही पार्टी को झारखंड में हमने लॉन्च किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम उस समय में भी हुआ, अभी भी आप लोग अच्छे तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन और मजबूती से काम करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष अपना कर्तव्य निभाए, प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो अपना कर्तव्य निभाए, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं तो अपना कर्तव्य निभाए, और हमारे प्रखंड कमेटी के साथी हैं तो अपना कर्तव्य निभाए। और एक एक लोगों को, जो लोग आपका है, आपके विचार से चलते हैं, ऐसे लोगों को जोड़िए और मजबूती से संगठन को खड़ा कीजिए, ताकि आपका बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में आपकी अपनी पहचान बन सके, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, अगर आज अगर आप और हम पीछे रह गए तो आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि सारी बातें सहनी ने झारखंड विकासशील इंसान पार्टी द्वारा रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मुकेश सहनी की बातों से लोग कितने मुतासर होते हैं, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सहनी आगे क्या कुछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।